हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। था लोग गाना करने वाले है वो है तू होती तो बाय भरत चौहान। इतनी खूबसूरत गाना है, कदल में किससे करेंगे यूकेलेले पे। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसके कॉर्ड्स। तो इस सॉन्ग में टोटल 5 कॉर्ड यूज होने वाले। सबसे पहला कॉर्ड है वो है ई माइनर कॉर्ड। यह है ई माइनर कॉर्ड की पोजिशन। आपको फर्स्ट फिंगर रखनी है सेकंड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पर, मिडिल फिंगर रखनी है आपको थर्ड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग पर, रिंग फिंगर रखनी है आपको फोर्थ फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग पर। ओके, जो सेकंड कॉर्ड यूज़ किया है मैंने वो है ए माइनर। यह है ए माइनर कॉर्ड की पोजिशन। आपको सिर्फ मिडिल फिंगर रखनी है सेकंड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पर। ओके, जो थर्ड कॉर्ड यूज़ किया है मैंने वो है सी कॉर्ड। यह सी कॉर्ड की पोजिशन। आपको सिर्फ रिंग फिंगर रखनी है थर्ड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पर। जो फोर्थ कॉर्ड यूज़ किया है मैंने वो है बी सेवन कॉर्ड। यह बी सेवन कॉर्ड की पोजिशन। आपको फर्स्ट फिंगर से सेकंड फ्रेट को बार करना है और मिडिल फिंगर लगानी है आपको थर्ड फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग पर। आप बी माइनर कॉर्ड पकड़ देना उस वैसे ही, सिर्फ ये आपको रिंग फिंगर हटा लेना है। सही है। द लास्ट कॉर्ड इज जी कॉर्ड। ये जी कॉर्ड की पोजीशन। आपको फर्स्ट फिंगर रखनी है सेकंड फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग पर, मिडिल फिंगर रखनी है आपको सेकंड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पर और रिंग फिंगर रखनी है आपको थर्ड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग पर। तो बस यही 5 कॉर्ड है पूरे गाने में। ई माइनर ए माइनर सी बी सेवन एंड लास्ट जी। तो अभी हम देख रहे थे जो फिंगर पिकिंग पैटर्न, स्ट्रमिंग पैटर्न और ब्लॉकिंग पैटर्न मैंने यूज़ की है वो। तो जो फिंगर पिकिंग पैटर्न स्टार्टिंग में मैंने यूज़ किया वो कुछ इस तरह प्ले होती है। बहुत ही सिंपल, आपको प्ले करना है 2 3 4 एंड 1 3 4। यहाँ से देखिए 2 3 4 और फिर 1 3 4। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस की आपको आ जाएगा। जो स्ट्रमिंग पैटर्न मैंने यूज़ की है वो 3/4 का, क्योंकि सॉन्ग 3/4 पैटर्न में है तो वो स्ट्रमिंग पैटर्न होगी डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, लास्ट में एक पार्ट आता है उसमें आप स्ट्रमिंग पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने प्लकिंग पैटर्न यूज़ किया वो कुछ इस तरह प्ले होती है। ओके, आपको सिर्फ लास्ट 3 स्ट्रिंग को प्लक करना है 2 बार और फिर इसे टैप कर देना है और फिर ये रिदम में आपको प्ले करते ही जाना है। ओके, तो इस अगर आपको लास्ट में ये जो प्लकिंग पैटर्न नहीं करना है तो आप वैसे ही स्ट्रमिंग पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं सॉन्ग सेक्शन। तो सॉन्ग के स्टार्टिंग में फिंगर पिकिंग पैटर्न में बजता है, तो आपको फिंगर पिकिंग पैटर्न करनी हर एक कॉर्ड में 2 बार। याद रखिए, हर एक कॉर्ड में आपको फिंगर पिकिंग पैटर्न करनी है 2 बार। कॉर्ड प्रोग्रेशन रहेगी ए माइनर सी एंड बी सेवन। ओके, ए माइनर सी एंड बी सेवन। तो फिंगर पिकिंग पैटर्न मैंने बताई थी वो 2 3 4 1 3 4, हर एक कॉर्ड में 2 बार। किस मिट्टी की है बता दे जरा, मुझे तेरी कमी
आपका यहाँ तक आपको करना है फिंगरप्रिंट पैटर्न हर एक कार्ड में दो बार। अभी जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा उसमें हम करेंगे स्ट्रमिंग पैटर्न डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम रहेगी ए माइनर सी एंड बी सेवन, पर यहाँ पे हर एक कॉर्ड में आपको चार बार प्ले करना है लाइक दिस। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिकॉर्ड में आपको चार बार प्ले करना है नेक्स्ट पूरे थ्रू आउट द सॉन्ग में जो स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ होगी उसमें रिकॉर्ड में आपको थ्रू आउट द सॉन्ग चार बार प्ले करना है बस। तो यही है गाने में और कुछ है नहीं, क्योंकि बस गाना कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको लास्ट में मैं कवर कर दूँगा वहाँ पर दिख जाएगा आपको। गाने में सिर्फ बस कॉर्ड प्रोग्रेशन पर ही आपको चलना है और कुछ है नहीं गाने में। और अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ढलती ही नहीं तू भी यहां से चलती ही नहीं, किस मिट्टी की है बता दे जरा, तुझे मेरी कमी खलती ही करता तू।